बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। आज एक बार फिर बेहद खास टॉपिक है। जसमीत भाटिया जी लैंडमार्क इमिग्रेशन से हमारे साथ जुड़ेंगे। टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, इंडियन स्टूडेंट्स हैं, अगर उन्होंने कनाडा में यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है तो पीजी डिप्लोमास कौन कौन से हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पीजी डिप्लोमास स्टूडेंट्स को देती हैं, और मास्टर प्रोग्राम के लिए पूरी डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे जसमीत भाटिया जी के साथ, किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है मास्टर डिग्री प्रोग्राम कनाडा में। सो जसमीत जी, आपका स्वागत है। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, आमतौर पे स्टूडेंट्स कॉलेज के डिप्लोमास की तरफ जाते हैं, लेकिन अब ट्रेंड दिख रहा है कि इंडियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन के बाद भी पीजी डिप्लोमास की तरफ जा रहे हैं, तो कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है? सो स्टूडेंट्स, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि जो स्टूडेंट्स हैं, मैच्योर स्टूडेंट्स हैं, जिनका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, 5 साल, 6 साल, 7 साल या 3 साल भी, या अगर आपने मास्टर्स की है, सो आप कॉलेज में मत अप्लाई करें। बिकॉज आई हैव सीन मैच्योर स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु हैव डन मास्टर्स नॉट गेटिंग वीज़ा व्हेन दे अप्लाई इन कॉलेजेस। सो यू शुड चूज़ a university only. So I give you, well, like there are lot of options to choose from a public university. And secondly, अगर हम बात करें, जो students अभी सोच रहे हैं कि they want to go to a university and get a good job, उनके लिए भी जो university के education का experience रहेगा, that will be more effective and more useful for them. So students, there are lot of universities in Canada जो कि इस टाइम पे पीजी डिप्लोमास भी ऑफ़र कर रही हैं, एंड अगर बात करें तो वो स्टूडेंट्स को मास्टर डिग्रीज भी ऑफ़र कर रही हैं। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो ब्रिटिश कोलंबिया से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम ब्रिटिश कोलंबिया हम उस साइड मूव करते हैं, तो ब्रिटिश कोलंबिया में सबसे पहले तो यूनिवर्सिटी कैनेडा वेस्ट, वो बहुत फेमस है अपने MBA प्रोग्राम के लिए, एंड स्कॉलरशिप्स आर ऑल्सो अवेलेबल जहाँ पर आप MBA करने जा सकती हो, और कोई भी स्टूडेंट MBA करने जा सकता है। बट उसके अंदर ये देखना है, अगर तो आप BCom BBA हैं तब तो आपको फाउंडेशन कोर्स नहीं लगता, पर अगर आप BCom BBA नहीं हैं तो आपको एक फाउंडेशन कोर्स करना पड़ता है अगर आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस नहीं है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी आ जाती है, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेज़र वैली। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेज़र वैली एबट्सफोर्ड में लोकेटेड है, विच इज़ लाइक 1 आवर फ्रॉम वैंकूवर। बहुत बढ़िया एरिया है, आई हैव पर्सनली विजिटेड द यूनिवर्सिटी कैंपस, इट्स ब्यूटिफुल, स्मॉल यूनिवर्सिटी इन्वायरमेंट है, और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेज़र वैली में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस एनालिटिक्स के, विच आर 2 ईयर्स प्रोग्राम। सो स्टूडेंट, इट इज़ वेरी वेरी अट्रैक्टिव ऑप्शन फॉर यू बिकॉज यूनिवर्सिटी ऑफ फ्रेज़र वैली इज़ अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हम बात करते हैं तो क्वांतलम पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी है सरी में, विच इज़ ऑल्सो इन ब्रिटिश कोलंबिया, विच इज़ ऑल्सो ऑफरिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स इन ऑल द फील्ड्स। हम बात करते हैं न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की, जिसके अंदर 3 मास्टर प्रोग्राम्स हैं, ब्रिटिश कोलंबिया बर्नबी में इनका कैंपस है, एंड बहुत ही लिमिटेड स्टूडेंट्स लेके जाने को ये कोशिश करते हैं इंडिया से, क्योंकि इनके पास जो 2 प्रोग्राम हैं वो डायरेक्टली ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम में फॉल करते हैं, विच इज़ मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी एंड मास्टर्स इन एनर्जी मैनेजमेंट। यानी कि अगर आप BCPNP वाले प्रोग्राम्स में अप्लाई करेंगे तो आपको PR लेने में बहुत ईजी रहेगा। एंड तीसरा प्रोग्राम है MBA। सो न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया में मास्टर डिग्री करना चाहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ओंटारियो की, विच इज़ द मोस्ट फेमस यू नो प्रोविंस, जिसके अंदर हम बात करें कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ़र कर रही हैं और कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हमें मास्टर्स ऑफ़र कर रही हैं। ऑल दो यूनिवर्सिटीज़ बहुत सारी मास्टर्स ऑफ़र करती हैं, बट एडमिशन इज़ वेरी वेरी हार्ड टू कम। बट अलगोमा यूनिवर्सिटी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर बहुत सारे PG सर्टिफिकेट्स एंड PG डिप्लोमा प्रोग्राम्स हैं, जिनमें एडमिशन लेनी काफ़ी इजी है,
एंड दो मास्टर प्रोग्राम्स भी अलगोमा यूनिवर्सिटी ऑफर करती है. सो अलगोमा यूनिवर्सिटी का कैंपस वन इज़ इन ब्रैम्पटन एंड वन इज़ इन सू सेंट मैरी एंड दे आर ऑल्सो ऑफरिंग स्कॉलरशिप वर्थ $6,000 फॉर 2 ईयर प्रोग्राम. सो स्टूडेंट दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑप्शन क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारे बच्चे जिनके 6 ईच बैंड होते हैं उनको कोई भी कॉलेज भी नहीं एक्सेप्ट करता पीजी प्रोग्राम में, बट अलगोमा यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट स्टूडेंट्स विद 6 ईच बैंड्स इनटू देयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स. इसके बाद बात करते हैं ट्रेंट यूनिवर्सिटी की. उसके अंदर भी 2 पीजी प्रोग्राम हैं. वन इज़ इन पीजी प्रोग्राम 5 स्पेशलाइजेशंस हैं. वन इज़ पीजी बिजनेस, पीजी फाइनेंस, पीजी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, पीजी सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड पीजी इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट. 2 कैंपसेज हैं ट्रेंट यूनिवर्सिटी के. वन इज़ इन ओशवा एंड वन इज़ इन पीटर्सबरो. सो ये यूनिवर्सिटी भी पब्लिक है एंड देयर फीस इज़ $24,000. इसके अलावा इस टाइम पे अगर हेल्थ रिलेटेड बात करें तो निपसिंग यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हेल्थ साइंसेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एनवायरमेंटल साइंसेज बहुत ही शॉर्ट लिस्टेड प्रोग्राम्स हैं. किसी भी यूनिवर्सिटी में ये 2 प्रोग्राम्स इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है. इसके अलावा बिजनेस फाइनेंस, HR, IBM में निपसिंग यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है. हम बात करते हैं नोवो स्कोशिया की यूनिवर्सिटीज़ की जिसके अंदर सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी है. 4 पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स एंड 3 मास्टर प्रोग्राम्स ऑफर करती है सेंट फ्रांसिस जेवियर यूनिवर्सिटी एंड के ब्रिटन यूनिवर्सिटी नोवो स्कोशिया बहुत सारे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स ऑफर करती है. सो स्टूडेंट्स बहुत वाइड ऑप्शंस हैं. मैंने सिर्फ वही यूनिवर्सिटीज़, अभी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मेरे पास जैसे कि मेमोरियल यूनिवर्सिटी हो गई जिनका कैंपस न्यू फाउंडलैंड लेब्राडोर में है. वहाँ पे मास्टर्स इन कंप्यूटर्स, मास्टर्स इन एनवायरनमेंट, मास्टर्स इन सिक्योरिटी और भी 2-3 प्रोग्राम्स हैं जो आप ले सकते हो. एंड अटलांटिक प्रोविंसेस में PR लेने के लिए आप एलिजिबल हो सकते हो. सो दीज आर यूनिवर्सिटीज़ विच आई हैव डिस्कस्ड वेयर यू कैन गेट योर ऑफर लेटर ईजीली. देर आर ऑल द यूनिवर्सिटीज़ ऑफरिंग मास्टर प्रोग्राम्स लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ रजाइना, ब्रॉक यूनिवर्सिटी, विल्फ्रेड लॉरियर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, बट उनकी ऑफ़र लेनी इतनी आसान नहीं है. दे टेक टाइम बिटवीन 4 to 6 months. सो आई फील जो यूनिवर्सिटीज़ मैंने शेयर की हैं आपके उसके अंदर 30 to 45 days में आपको ऑफ़र मिल जाएगी और आपका कैनेडा जाने का सपना बहुत जल्दी पूरा हो सकता है. चलिए थैंक यू सो मच जसमीत जी, बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने दी है, बहुत विस्तार से दी है. स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन है तो 9041390412 पे आप बात करें, ईमेल कर सकते हैं, स्क्रीन पे ईमेल नंबर है और आप ऑनलाइन भी अपनी फाइल मूव कर सकते हैं. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच.